हिंदी की क्लास में आपका स्वागत। हाँ बच्चों, आपने कौन सा चैप्टर चल रहा था? चैप्टर करवाना था मैंने, कौन सा करवाना था? तो मैंने पहले कितने चैप्टर करवा दिए आपको? दो दो लेसन मैंने आपको डिस्कवरी की बुक में और ऑब्जर्वेशन की बुक में मैंने करवाया, जिसमें पहला पार्ट था आपका लेसन फर्स्ट खिलते और खेलते हो, सेकंड चैप्टर था सोने की शराब। ये दोनों चैप्टर मैंने आपको ऑब्जर्वेशन बुक और डिस्कवरी बुक दोनों में ही मैंने आपको पूरे करवा दिए हैं। तो आज अपने कौन सा चैप्टर करेंगे? चैप्टर करेंगे थर्ड। कौन सा करेंगे? थर्ड पार्ट। कौन सा है? और पार्ट का नाम क्या है? जो पार्ट हमने करने जा रहे हैं उस पार्ट का नाम क्या है? नाम क्या है? एक कहानी। क्या नाम है? नाम क्या है? एक कहानी। और इस चैप्टर के राइटर कौन है? नैन्सी शर। इस चैप्टर के राइटर है नैन्सी शर। ये चैप्टर में आज आपको आपकी डिस्कवरी में पढ़ाऊंगी। कौन सी बुक में करवाऊंगी? डिस्कवरी बुक। ये पार्ट क्या है? एक कविता। पार्ट क्या है? एक कविता है। कविता के रूप में ये चैप्टर है जो मैं पढ़ने जा रही हूँ। मार्क देखो, पहले तो है इन्होंने इस चैप्टर के नए शब्द इधर दे रखे हैं, नए शब्द। लेकिन ये नए शब्द अपने कब करेंगे? ये नए शब्द करेंगे हम इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम अपने नए शब्द करेंगे। तो पहले देखें यह भी जाने, यह भी जाने, यानी कि इस पार्ट के बारे में मेन मेन इस पार्ट का प्रश्न दे रखा है। इस पार्ट के बारे में हमने पहले जानेंगे, फिर हम इस पार्ट को अच्छी तरह पढ़ेंगे, फिर इस पार्ट को पढ़कर समझकर फिर इसके नए शब्द करेंगे। नए शब्द करने के बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो देखें क्या है। गौतम बुद्ध का असली नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का असली नाम क्या था? गौतम बुद्ध का असली नाम सिद्धार्थ था। वह कपिल वस्तु के राजकुमार थे। वे कहाँ के राजकुमार थे? कपिल वस्तु के। इनको एक दिन सिद्धार्थ ने सब त्याग दिया। इनको एक दिन सिद्धार्थ ने सब त्याग दिया। क्या क्या त्याग? देखिए, वह दुख का कारण जाने और उससे दुख का कारण जाने और उससे मुक्ति, यानी उस दुख से और उससे मुक्ति पाने का मार्ग खोजने के लिए, मार्ग होता है रास्ता, मार्ग होता है रास्ता, उससे मुक्ति पाने का मार्ग खोजने के लिए बिना किसी को बताए घर से निकल पड़े। आगे चलकर उन्होंने किसकी स्थापना की? आगे चलकर उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। किस धर्म की स्थापना की? बौद्ध धर्म। यशोधरा गौतम बुद्ध की पत्नी थी। यशोधरा उनकी पत्नी थी। किनकी? गौतम बुद्ध की। उनके पुत्र का नाम राहुल था। उनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल। ये तो था अपने को पाठ के बारे में। अब देखो क्या है पाठ। माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तुमने मुझको अपनी नानी। माँ कह एक कहानी, बच्चे को कह रही है बेटा समझ लिया क्या तुमने मुझको अपनी नानी समझ लिया। कहती है मुझसे यह चेती, कहती है मुझसे यह चेती, चेती होती है दासी। कहती है मुझसे यह चेती, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेती
भी लेती। राजा था या रानी, माँ कह के तू है हठी, मान धन मेरे। हठी होता है जिद करना, जिस बात की जिद करनी उसको कर, उसको अपनी बात को मनवा कर नहीं रहता। सुन उपवन में बड़े सवेरे, उपवन होता है बाग, उपवन किसको बोलते हैं, बाग, सात भ्रमण करते थे तेरे। सात होता है बेटा और भ्रमण होता है सैर। सात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ तुम भी मन माने, हाँ माँ यही कहते गाते थे, गाते थे खग कल कल स्वर से, गाते थे खग। खग क्या होते हैं, पक्षी। गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा बिंद होकर खर्शर, हुई पक्षी की हानि। हानि होता है नुकसान, हुई पक्षी की हानि, करुणा भरी कहानी, पक्षी का नुकसान हुआ तो करुणा होता दया। जो उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आंखें टक आया। आंखें टक होता है शिकार, आंखें टक किसको बोलते हैं, शिकार। लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। माँ उसने आहत पक्षी, माँ का उसने आहत पक्षी, तेरे साथ की मुँह में रक्षी, तब उसने जो था खग भक्षी, हट करने की ठानी, हट करने की ठानी, तब बढ़ चली कहानी। हुआ विवाद सदै निर्दय में, अभ्य आग्रह थे स्विष्य में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सबने जानी, सुनी सबने जानी, व्यापक हुई कहानी। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दो निर्भय जय हो इसका, सुन लो तेरी वाणी, माँ कह एक वाणी, मैं सुना सुन रहा कहानी। कोई निर अपराध को मारे, निर्दोष को मारे, निरपराध यानी कि निर्दोष, कोई निर अपराध को मारे तो क्यों मैं अन्याय उसे उबारे, यानी दूसरा उसको भूखा क्यों नहीं है। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का धानी, न्याय दया का धानी, तूने गुनी कहानी, तूने गुनी कहानी, माँ कह के कहा। पार्ट थ्री कौन सा था, पार्ट थ्री माँ कह के कहानी। ये पार्ट क्या था, एक कविता के रूप में है पार्ट, माँ कह के कहानी, ठीक है। ये पार्ट है आपका, इस पार्ट के अब है नए शब्द, क्या है नए शब्द, मैं लिख रही हूँ नए शब्द, ये आपने अपने बुक में और नोट बुक में सेव करना। नए शब्द बस क्या है, जी है
यानी कि ये आपने अपने बुक में से ही पढ़ने हैं, बुक से ही याद करने हैं, इसको नोटबुक में नहीं लिखना, ठीक है। ये देखिए आप अच्छी तरह, ये हैं आपके शब्द नए, ये हैं आपके नए शब्द, और ये हैं आपकी कविता, ठीक है। पाठ तीन, धन्यवाद।